नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बता दें, गोंडा का दौरा करेंगे। वहीं इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से उमरी बेगमगंज के बाबा मठ पर पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 3:40 पर बाढ़ राहत केंद्र बरौली में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी बरौली बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण भी करेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद सीएम योगी दोपहर 4:15 पर गोंडा में मीडिया से भी बातचीत करेंगे। फिर शाम को 4:30 बजे तरफगंज गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरान जिले के आला अधिकारी सीएम योगी के दौरे के दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज बता दें, सीएम योगी का गोंडा का दौरा है, जहां पर वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी देंगे। वहीं बरौली बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण भी वो करेंगे और तैयारियाँ भी सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरी कर ली गई हैं। चलिए, गोंडा से हमारे संवाददाता राज मंगल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राज, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी का आज दौरा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, गोंडा में दो तहसील है, तरफगंज और करनैलगंज तहसील। दोनों तहसील जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और उसी का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज आ रहे हैं गोंडा में। बरौली के बाबा मठिया एक मठ है, वहीं पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और 3:30 पर वो उतर के फिर लोगों का हाल जानेंगे, बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे और उनको किट वितरण करेंगे। इसके बाद में प्रेस मीट करके और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उनका जो लौटने का कार्यक्रम है वो 4:40 पर है। आपको बता दें, 2-3 दिन के पहले ही अभी यहाँ पर जल शक्ति मंत्री आए थे और उन्होंने दावा किया था कि गोंडा पूरी तरह से सुरक्षित है, यहाँ पर किसी प्रकार का बाढ़ नहीं है, मेरा गोंडा पूरी तरह सुरक्षित है, ऐसा दावा करके गए थे। लेकिन यहाँ पे दो तहसील बाढ़ से प्रभावित है और खास करके तरफगंज तहसील की बात किया जाए तो बाढ़ काफी हद तक यहाँ पर है और उसी का दौरा करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ खुद आ रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। जी बिल्कुल राज, और कितने इलाके होंगे जिनका दौरा सीएम योगी करेंगे, कितने इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें, चूंकि तरफगंज तहसील काफी बड़ा एरिया है तो ऐसे में हर जगह वो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पे लोगों को बुलाया गया है और लगभग 30-35 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और उसके बीच में जो ये बरौली बाबा मठिया मठ है वहीं पे बुलाया गया है सभी बाढ़ पीड़ितों को, वहीं पर मिलेंगे और हवाई सर्वेक्षण के दौरान वो पूरे दोनों तहसील का सर्वे भी करेंगे। जी यानी कि राज, जो पिछले काफी समय से लोग परेशान थे बाढ़ की वजह से या फिर और भी कोई तमाम परेशानी थी, अब उन लोगों को राहत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, अपने मंत्री पर भी उनको भरोसा नहीं है और वो हाल जानने के लिए खुद चलकर आए, जबकि हवाई सर्वेक्षण में 2 दिन पहले ही उनके मंत्री ने कहा कि बाढ़ से पूरी तरह सुरक्षित है गोंडा और कुछ गांव में पानी आया था और निकल गया। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया और उन्होंने खुद चलकर आने का फैसला लिया और बाढ़ पीड़ितों से मिलने का। जी बिल्कुल राज, और यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि गोंडा में कितने ऐसे क्षेत्र हैं, कितने ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं और जिनके लोग उन इलाकों के लोग जो हैं वो परेशान हैं। जी गोंडा में जैसा कि हमने बताया, दो तहसील है, तरफगंज तहसील और करनैलगंज तहसील, दो तहसील ऐसी है जहां पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, लेकिन फिलहाल अगर मौके पे देखा जाए तो 30-35 मजरे ऐसे हैं जो बाढ़ से ग्रसित है और आने जाने का रास्ता भी नहीं है। हालांकि अगर बात किया जाए पूरे गोंडा की तो ऐसी छोटे मोटे तमाम नदी नाले हैं जो वो भी उफान पर आ गए हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां पे नदी का छोड़ करके वैसे ही बाढ़ आ गया है और रास्ते बंद भी हो गए हैं। बिल्कुल राज, यहाँ पर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों को आज मुख्यमंत्री खुद जो है वो राहत देने पहुंच रहे हैं, तो क्या इससे पहले प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया था, प्रशासन की तरफ से उन्हें चीजें दी गई थी?
जी प्रशासन की तरफ से कुछ थोड़ा बहुत दिया गया है, लेकिन कुछ ही इलाकों में प्रशासन की निगाह गई है, जबकि तरबगंज तहसील के अगर बात करें तुलसीपुर माझा में, तो वहां पे लोगों का कहना है कि यहां पे प्रशासन की तरफ से हम लोगों को कोई भी सुविधा कुछ भी अभी मुहैया नहीं कराया गया। जी चलिए राज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा है और ऐसे में वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का बरौली बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण करेंगे, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे, वहीं लोगों को राहत जो है वो देते हुए नजर आएंगे। पिछले काफी समय से यूपी के तमाम इलाके, तमाम जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम योगी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर आज ये दौरा कर रहे हैं लगातार, और आज गोंडा में ये दौरा किया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर हॉस्पिटल से आज उनके घर पर ले जाया जाएगा और घर पर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े चार लोग अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ करेंगे। बता दें पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा और दोपहर तक अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार की ओर से उनकी टीम के जरिए एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि हम सभी लोग दुख में हैं, हम भी उतने ही शॉक्ड हैं जितने आप सभी लोग हैं, परिवार की निजता का सम्मान करें, कृपया सभी लोग सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। बता दें सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मुंबई पुलिस को सौंपती गई है, ऐसे में रिपोर्ट ओशिवारा पुलिस के जांच अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं मुंबई पुलिस आज इस संबंध में आधिकारिक बयान भी जारी कर सकती है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर कूपर हॉस्पिटल से घर पर ले जाया जाएगा और घर पर ब्रह्म कुमारी से जुड़े चार लोग अपने रीति रिवाज से पूजा पाठ करेंगे और पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा और दोपहर तक अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर मिलने के बाद आज सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा और माना जा रहा है कि आज दोपहर से पहले उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा। बाराबंकी में बीजेपी नेता और त्रिवेदीगंज के मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा पर अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली करने का आरोप लगा है। वहीं काफी दिन बीत जाने के बाद जब पीड़ित परिवार ने बीजेपी नेता से अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया तो वो उन लोगों को टालने लगा और करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी जब पैसे वापस नहीं किए तो बीजेपी नेता के इस करतूत पर कार्यकर्ता की मां बौखला गई और उसने उसकी बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। वही बता दें बीजेपी नेता की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी नेता की महिला पिटाई करती हुई भी नजर आ रही है। बाराबंकी का ये पूरा मामला है और अब इस पूरी पिटाई का, पूरे मामले का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता की बीच सड़क पर ये महिला जो है वो पिटाई करती हुई नजर आ रही है। आरोप है कि बीजेपी नेता ने नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे, वसूली की थी और देखिए किस तरह से ये महिला गुस्साई है और ऐसे में बीच सड़क पर ही बीजेपी नेता को पकड़कर पीटती हुई नजर आ रही है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी नेता के बीच सड़क पर पिटाई हुई है, ऐसे में महिला देखिए किस तरह से बीजेपी नेता को बाइक से नीचे उतारने की कोशिश कर रही है और बीच सड़क पर उसे पीट रही है। हालांकि मामला जो है वो बताया जा रहा है कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा वसूला था जिसको लेकर ये महिला ने ऐसी पिटाई की है। मैं कल अपने घर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित कार्यक्रम आवास की चाबी देने हैदराबाद मुख्यालय ब्लॉक पर कार्यक्रम था, वहाँ मैं जा रहा था। मुझे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के बहकावे से महिला द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व मेरी काला को घसीटा गया जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं संगठन से अनुरोध करता हूँ कि साजिशकर्ता तथा महिला पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा संगठन का कोई पदाधिकारी जलील न किया जाए और इन लोगों के द्वारा मुझसे और मेरी जान माल और मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग साजिश के तहत राजनीतिक देशभर ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। भैया मामला क्या है, हम गरीब मनई
हम बच्चे पालते खवाते रहे, अपने घर रहते रहे, पालती में जुड़ गए हैं उत्तम वर्मा के साथ, पालती में चलते रहे हैं। कुछ दिन बीते तो हमारे लड़का के साथ साथ रात दिन एक ही रहा उनके साथ। तो एक दिन कहीं कि लड़के हमारे लड़का का कहीं कि हमारे साथ चलो इनके साथ गया, तो कहीं तुमको हम हमारे साथ रह रहे हो, तुमको हम एक काम दिला दे नौकरी, तो तुम अपन कमाओ खाओ, हम हमारे साथ बहुत दिन थे भाई परेशान हो। तो हमारे लड़का के लेके गए विद्यालय में दिखाएं, स्कूल स्कूल दिखा के लाएं, कहीं नहीं तुम चपरासी गिरी की नौकरी निकल रही है, यहीं तुमको रखा देंगे। तो हमारा लड़का हम्मा से आवा तो हमसे कहे कि मम्मी ऐसा कह रहे हैं उत्तम भैया कि चपरासी की नौकरी निकल रही है और तुम कहीं हम रखा दे का ठीक है। तो हम कहें बच्चा पता नहीं सही है कि झूठ है। तो इन कहें कि फिर फ़ोन कहें, तो कहें कि नहीं हमसे फ़ोन करें, कहीं नहीं चाची सही है, हमारा भाई समझो, हम तुम्हारे लड़का समान समझो, का तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सके। चलिए बाराबंकी से रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि दोनों ही तरफ की बात अगर सुनी जाए तो दोनों ही तरफ से अलग अलग बात सामने आ रही है, मामला आखिर है क्या? मामला त्रिवेदीगंज का है और एक बीजेपी मंडल अध्यक्ष है, एक दलित महिला है जिससे एक साल पहले इन्होंने इनके बेटे की नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए थे जी। पूरा मामला पैसों को लेकर है, नौकरी लगी नहीं, दलित महिला बार बार पैसे की इनसे मांग कर रही थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है जी। फिलहाल इसे जो मारपीट हुई है, इसके बाद जो है दोनों पक्ष ने संबंधित थाना जो है लोनी कटरा वहां पर प्रार्थना पत्र दिया है दोनों पक्षों ने। इस पर जो बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडे हैं, उन्होंने मामले की जानकारी दी है और कहा है कि दोनों पक्षों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं, जो है विवेचना की जा रही है, जैसा भी मामला निकल कर सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर जो है बीजेपी मंडल अध्यक्ष की अगर बात माने तो उन्होंने कह रहे हैं कि बिल्कुल रविंद्र, यही मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि देखिए अगर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की बातें सुनी जाए, उनका बयान सुना जाए, तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो ये साजिश रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उधर वो महिला कह रही है कि पैसे लिए थे नौकरी के नाम पर और नौकरी भी नहीं लगवाई, तो दो बात जो है वो देखी जा रही है जी। बिल्कुल पारुल, इसमें जो है बीजेपी मंडल अध्यक्ष और इस दलित महिला का ऑडियो भी एक वायरल हो रहा है, जो पहले इसी एक और डेढ़ महीने के बीच का बताया जा रहा है जी। जिसमें बीजेपी मंडल अध्यक्ष लगातार बता रहे हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो भी करना है कर लीजिए। तो बड़ा सवाल यह है कि ऑडियो भी इससे पहले वायरल हो चुका है, उसके बाद अगर पैसे दे दिए गए होते तो शायद ये विवाद नहीं होता। तो फिलहाल मामला जांच का है और दोनों पक्षों में अपनी अपनी सफाई के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन दलित महिला है अगर पैसे पा जाती तो शायद जो है ये विवाद नहीं होता, जो कल विवाद हुआ है, मारपीट का विवाद हुआ है। तो साजिशन ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं मामला जांच का है और जांच कर जो भी बात निकल कर सामने आएगी वो अधिकारी बात। इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है जी? अभी पारुल इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी इंडिया वाइज जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया को जो है अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जांच की जा रही, जांच कर कार्रवाई की जाएगी, अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कल ही प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, उसके हिसाब से भी जांच चालू हुई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी जी। चलिए रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी नेता के बीच सड़क पर एक महिला जो है वो पिटाई करती हुई नजर आई। हालांकि महिला का आरोप था कि उसके बेटे को नौकरी दिलाने के नाम पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने वसूली की थी और उसके बाद नौकरी भी नहीं दिलाई, जिससे गुस्साई महिला ने बीच सड़क पर ही बीजेपी के नेता को पकड़ कर उसके साथ मारपीट की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हालांकि अभी वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीते दिनों ताज के दर्शन करने आए कृष्ण स्वरूप पर्यटक को ताज में प्रवेश देने का मामला अब गर्माता जा रहा है। ताज नगरी आगरा में इस मामले के बाद हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं आज राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत संगठन ने करीब 2 दर्जन राधा कृष्ण के प्रतीकात्मक स्वरूपों के साथ ताज के दर्शन करने पहुंचे, लेकिन राधा कृष्ण के स्वरूपों के ताज पर पहुंचने की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस ने इन लोगों को ताजमहल जाने वाले प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, जिसके बाद संगठन के लोगों ने प्रवेश द्वार पर ही जमकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद भी संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी बंद की। आज से कम से कम अगले शनिवार को एक हमारे कृष्ण भूमि में हमारे एक पर्यटक आए थे, उसको यहाँ के ऐसा ही सुरक्षा कर्मियों ने हाथ देख के धक्का देख के उसको बाहर कर दिया गया। लेकिन 2 दिन पहले
एक वीडियो वायरल होती है, कोई एसआई का इनका कर्मचारी उसमें रिटायर होता है, उसको जहाँ तक एक सुई नहीं जाती ताजमहल में, उसमें पूरी माला चली जाती है। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया था आज से 2-3 दिन पहले कि जिन्होंने हमारे कृष्ण भगवान का अपमान किया या तो उनको सस्पेंड करो या उनके खिलाफ कार्रवाई करो। आज हमारे 24 घंटे से ऊपर हो गए, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज हमने ज्ञापन दिया है, आज उन्होंने कही आप तहरीर दीजिए, अब हम उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की वो करेंगे। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की कई वारदातें सुनने को और देखने को मिल रही हैं। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने बाइक चोरों के गैंग को पकड़ लिया है, साथ ही पुलिस ने चोरों के पास एक चोरी की बाइक और एक बाइक के पार्ट्स भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में इन चोरों का नेटवर्क फैला था और ये चोर बाइक चोरी कर कबाड़ में कटवा देते थे। फिलहाल पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा पुलिस चोरी हुई मोटरसाइकिलों के विरुद्ध सख्त अभियान चला रही है। इसी के मद्देनज़र शाहगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा है और उनके पास से एक मोटरसाइकिल और साथ में दूसरे मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स जैसे इंजन को बरामद किया गया है। ये दो जो मुलजिम है, इनका नाम है मुबीन उर्फ लखन और दूसरे का नाम है सुभाष पुत्र सूरज भान। इन दोनों को पकड़ कर जेल भेजा जा रहा है और इनका पहले का कुछ आपराधिक इतिहास है और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इन लोग का मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह का था कि ये लोग जहाँ पे स्टैंड होते हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, वहाँ से दोनों मिलकर गाड़ियों को चोरी कर लेते हैं और उसके बाद इनको बेच देते हैं या कटने के लिए जो कबाड़खाने होते हैं वहाँ पर कटवा देते हैं। ऐसा भी हमारे संज्ञान में आया है कि इनका जुड़ाव दूसरे राज्यों में भी है जहाँ पर ये ले जाकर अपने चोरी हुई मोटरसाइकिलों को बेचते हैं। समाज में लड़कों के अनुपात में लड़कियों की घटती संख्या ने सभी को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में आगरा में अखिल भारतीय माहौर क्षेत्रीय स्वर्णकार एसोसिएशन के बैनर तले युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। बता दें कि आगरा के विजयनगर कॉलोनी स्थित नवरंग वाटिका में हुए कार्यक्रम में समाज में लड़कियों की घटती संख्या को लेकर चिंता जताई गई और कार्यक्रम में बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों से सब जातीय लोगों ने शिरकत की। परिचय सम्मेलन में 21 जोड़ों का विवाह संबंध तय किया गया था और इस दौरान सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प भी लिया गया है। आज का जो हमने कार्यक्रम करा है, अखिल भारतीय महाओर क्षत्रिय स्वर्णकार एसोसिएशन का कार्यक्रम है, इसमें निशुल्क कन्या युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें बालकों का बालिकाओं का निःशुल्क विवाह किया जाएगा। उन लोगों से हम कुछ भी नहीं लेंगे, न लड़का पक्ष से न कन्या पक्ष से। इसमें उम्मीद ज्यादा से ज्यादा मुझे इस समय 21 की नजर आ रही है आगे के लिए। आज तो काफी लोग आए हुए हैं, लोग फिरोजाबाद से भी आए हुए हैं, आगरे के भी हैं, एटा के भी हैं, मथुरा के भी हैं, हाथरस के भी हैं, सभी जगह से आए हुए हैं आज। और उसके अलावा हम लोगों ने जो आज जो मशीन कार्यक्रम का जो लॉकडाउन के अंदर में बेरोजगार महिलाएं बनी है उनको हमने मशीन वितरित की है। उसके अलावा बालिकाओं की पढ़ाई का निःशुल्क खर्चा उन लोगों के लिए हम ये संस्था हमारी देगी। उत्तर प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से जहां लोगों की मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, वहीं अब जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद एसडीएम सीओ के नेतृत्व में आगरा के शमशाबाद के कंस टीला क्षेत्र में छापेमारी की गई। ये छापेमारी पुलिस आबकारी विभाग की तरफ से की गई। वहीं बता दें छापेमारी के दौरान मौके से करीब 150 लीटर लहन नष्ट करा गया है। उसी क्रम में यहाँ पे जो मोहल्ला शमशाबाद का मोहल्ला कंस्टीला है वहाँ पर सीओ साहब और एसडीएम साहब के साथ कार्रवाई की गई है, तो कुछ लहन मौके मिली है जिसको नष्ट कर दिया गया है। और इसी जगह कई यहाँ पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है जिसमें लोगों को अवैध शराब के सेवन के प्रति समझाया गया है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो विभाग को या पुलिस वालों को अवगत कराने का के लिए कहा गया है। कल यहाँ एक कच्ची शराब का बेचते हुए वीडियो वायरल हुआ था, तो उस पर कुछ क्या कार्रवाई की गई? अब तक कितना शराब यहाँ बरामद किया गया है? अभी शराब बरामद नहीं, इस संबंध में कल भी कार्रवाई की गई थी और कई जगह मतलब छापे भी मारे गए थे, लेकिन कल कोई ऐसी शराब बरामद नहीं हुई। और आज फिर हमने मौके यहाँ पर अभियान किया तो फिर ये शराब बरामद हुई।
बहराइच में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मटेरा पुलिस ने 1,75,00,000 रुपए की चरस बरामद कर ली है, जिसकी मात्रा 500 ग्राम है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक मटेरा आरपी यादव ने अपने पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान संदिग्ध 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में चरस भी बरामद की थी। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही बता दें, अपराधियों के खिलाफ कई जिलों में दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना मटेरा पुलिस को मुखबिर की से सूचना मिली कि जो घास अलाव के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस मौके पर गई और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, तो उनके पास से 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस संबंध में थाना मटेरा में मुकदमा अपराध संख्या 156/23, 157/23 तथा 155/21 धारा 8/20 NDPS पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। एटा दिल्ली डिफेंस में नौकरी करने वाली साबिया सैफी की मौत के बाद एटा के सैफी समाज ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली डिफेंस में नौकरी करने वाली साबिया सैफी की मौत के बाद एटा के सैफी समाज ने प्रदर्शन के बाद एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। एडीएम को ज्ञापन देकर साबिया के हत्यारियों को फांसी देने की मांग भी की गई है। साथ ही दर्जनों की संख्या में सैफी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर एडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद नारेबाजी भी की। बता दें कि साबिया के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए गए और ज्ञापन में प्रसपा जिलाध्यक्ष सराफत हुसैन काले सैफी समाज जिलाध्यक्ष जहरी सैफी मोहम्मद वारिस सैफी सुभान सैफी समेत बड़ी तादाद में सैफी समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। आज जो हम डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के लिए जो ज्ञापन लेने आए, हमारी बहन राबिया सैफी जो डीएम साहब दिल्ली के ऑफिस में कार्यरत थी, उनकी दरिंदों ने इतनी बेरहमी से हत्या करी, 50 जगह चाकुओं से कूदा और अपनी जबान से हमें कहने में भी बहुत शर्म आ रही है। और ये घटना पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है। हम सैफी समाज की तरफ से आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और मांग करते हैं इन दरिंदों के जो हत्यारे हैं, वो हत्यारे सामने आए, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और जिले के माध्यम से हम अपने आला अधिकारियों को बताना भी चाहते हैं, एक हफ्ते के अंदर ये केस नहीं खुला तो एटा की सड़कों पर पूरा मुस्लिम समाज धरना प्रदर्शन करेगा। ये हत्या हिंदुस्तान की बेटी की, हमारी बहन की हत्या हुई है। हमारी बहन साफिया सैफी दिल्ली में पुलिस सर्विस करती थी, उनका 27 तारीख को निर्ममतापूर्वक बलात्कार किया गया, बर्बरतापूर्वक उनका हत्या कर दी गई। इसलिए हम ज्ञापन देने आए थे महामहिम राष्ट्रपति जी को, इससे जो उनके जिन्होंने ये कृत किया है उन दोषियों को पकड़ के उनको फांसी की सजा दिलाई जाए और उनको जो लड़की को इंसाफ मिले, इसके लिए हम लोग सर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में केरल से आए एक परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने से गांव में हड़कंप मच गया है। बता दें कि केरल से महज 2 दिन पहले 15 लोग अपने ही गाँव आए थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कोरोना पॉजिटिव आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया गया है। फतेहपुर में जल निगम के कर्मचारियों ने नहर कॉलोनी में धरना प्रदर्शन देते हुए अपने 5 महीने के पकाए वेतन को शासन से देने की मांग की है। बता दें कि नहर कॉलोनी धरना
स्थल में पिछले काफी वक्त से जल निगम के कर्मचारी बकाया वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज नहर कॉलोनी से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन करते हुए जल निगम कर्मचारियों ने वेतन संबंधित तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं के जल्द निदान की भी मांग की है। साथ ही बता दें, जल निगम कर्मचारियों ने बताया है कि शासन उनके विभाग को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से उनके विभाग में आने वाले काम को प्राइवेट लोगों से करवाया जा रहा है, जिससे उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। तो बता दें, फतेहपुर का पूरा मामला है जहां पर जल निगम कर्मचारियों ने जो है प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जल निगम कर्मचारियों का ये पूरा प्रदर्शन था, अपने वेतन को लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी की गई उनकी तरफ से। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।